बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मैं मोदी ट्रैवल एंड टूर के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम जापान का विजिट वीज़ा का अप्लीकेशन फॉर्म ओपन है। दोस्तों, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से भी इसको फिलअप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिए, जब आपको फॉर्म फिल हो जाएगा तो यहाँ से प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद आखिर में आपने अपने सिग्नेचर यहाँ पर ज़रूर करने हैं। तो यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम लिखना है जो आपके आपके पासपोर्ट पर जैसे मेंशन है। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपने आखिरी नेम दे देना है, ठीक है। अगर कोई और नाम भी आपका है वहाँ पे लिखा हुआ तो वो भी मेंशन करने, वरना उसको रहने दें, ठीक हो दोस्तों। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ जो कि आपके शनाख्ती कार्ड पर होती है, ठीक है। थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है जो भी है, ठीक है। इसके बाद मैरिट स्टेटस आपने अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आपने अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, यहाँ से इस एरो पे क्लिक करेंगे तो नेशनैलिटी आ जाएगी। अगर कोई और नेशनैलिटी है तो ठीक है, वरना इसको भी खाली रहने दें। आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे इशू करें जो गवर्नमेंट का है, ठीक है। इसके साथ ही कोर नेशनलिटी, सॉरी हाँ, यहाँ पे दें। और पासपोर्ट आपको क्योंकि पाकिस्तान है ऑर्डनरी है, अगर कोई और डिप्लोमेटिक है तो कर दें, या ऑफिशियल है तो आपने ऑर्डनरी पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। पासपोर्ट नंबर देना है, प्लेस ऑफ इशू देनी है, इशू अथॉरिटी देनी है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू देनी है पासपोर्ट की और डेट ऑफ एक्सपायरी पासपोर्ट की। यहाँ पे जापान जो पर्पज़ है आपका, टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, कितने टाइम वहाँ स्टे करेंगे, डेट ऑफ अराइवल कौन सी है, और पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू जापान पोर्ट कौन सा होगा, यानी वहाँ का एयरपोर्ट कौन से एयरपोर्ट पे लैंड होंगे, शिप या एयरलाइन पे जाएंगे कौन सी एयरलाइन होंगी, उसका नाम। इसके साथ ही जनाब नेम एंड एड्रेस ऑफ होटल पर्सन विद होम एप्लीकेंट इंडोर्स टू स्टे, यहाँ पर आपने रुकना है, वहाँ का नाम पता आप, ठीक है, अपना और एड्रेस मेंशन कर दें, ठीक है। डेट एंड ड्यूरेशन, प्रीवियस स्टे इन जापान, अपना तारीख दें, कितने दिन स्टे होगा वहाँ पे, ठीक है। यूक्रेन रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देना है, ये वो एड्रेस है जहाँ पर आपने रहना है, ये आपने अपना रेजिडेंट एड्रेस देना है, यानी ये वो एड्रेस है जहाँ पे आप जा रहे हैं और ये आपने अपना एड्रेस देना है, ठीक हो गया। टेलीफोन है तो ठीक है, नहीं तो इसको इग्नोर करते जाएं। यहाँ पर भी मोबाइल नंबर देना है लाजमी, और यहाँ पे आ जाएं। करंट प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन, करंट ऑक्यूपेशन और पोजीशन कौन सी है, नेम एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर का, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, पार्टनर प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, उसका नेम, ग्रंटर जो आपने रखा है उसका नाम वगैरह, ठीक हो गया। यहाँ पे एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, तो यार बहुत ही आसान है इसको फिलअप करना। अगर आपसे नहीं होगा तो हमसे करवाएंगे, तो हम रब्ता करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर 03244 09 44 6 4 4 9 6 4 है, ठीक है ना, 09 44 49 64। यहाँ पे आपने अपनी डेट देनी है जिस डेट को आप अप्लीकेशन सबमिट करें, यहाँ पे फिर आपने प्रिंट निकाल के जो है इस पर सिग्नेचर कर देने हैं। तो ये प्रोसीजर है, 3 लाख की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, 3 साल की रिटर्न होनी चाहिए, और ट्रैवल हिस्ट्री 2 ममालिक की होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट अटैच करें, पूरा प्लान बनाया बाद अप्लाई करें, वीज़ा 100% आपका ज़रूर लगेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।